डिपेंड्स आप क्या क्या रहे हो और आप किस एरिया में रहते हो. ऑब्वियसली अगर आप बिग एकेडमिक सेंटर में हो और आपने रिसर्च करनी है, ग्रांट्स लिखनी है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम है बिकॉज यू यू गेट फंडेड फॉर द ग्रांट्स. वैसे बेस सैलरी एज फार एज आई नो 300-350 रेंज है इसकी. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वट आर यू डूइंग. सो इफ यू आर अ प्रोसीजर्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आप प्रोसीजर्स कर रहे हो, इंटरवेंशन ईपी है, और अगर आप और लाइक एको न्यूक्स रीड कर रहे हो, टीटी कर रहे हो, और इमेजिंग, एडवांस इमेजिंग, दीज आर यू कैन बिल मोर फॉर दैट. सो इट कैन गो अप, बट बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स एंड ऑल्सो एरिया विच यू आर लिविंग एट. सो अगर आप बिग सिटीज में रह रहे हो, इवन अगर इफ आई टेल यू लाइक हियर इन सीडर्स, अगर यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम में, एकेडमिक नाम वाले प्रोग्राम में आप काम करोगे, यू विल बी ऑन द लोअर लिमिट ऑफ दैट रेंज. मतलब वो ही 250-280 होगा, 300 होगा, मतलब उससे. पर अगर आप थोड़ा सा स्मॉलर कम्युनिटी हॉस्पिटल में हो, योर पे विल बी मोर. सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट दैट्स लाइक द रेंज.